नमस्कार, आप देख रहे हैं 5W1H। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लंदन में ईवीएम हैकिंग सर्कस के पीछे कांग्रेस का हाथ था। कांग्रेस को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को 2019 के चुनावों में अभी से हार दिखने लगी है और वो उसका बहाना तैयार करने में लगी। बीजेपी का आरोप, ईवीएम हैकिंग की आड़ में 2019 की हार का बहाना ढूंढ रही है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का आरोप, लंदन में ईवीएम हैकिंग के सर्कस के पीछे कांग्रेस का हाथ। हैकर के दावे को कल चुनाव आयोग ने खारिज किया, कानूनी कार्रवाई कर सकता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हैकर ने छिपाई अपनी पहचान, कहा ईवीएम हैकिंग में रिलायंस कम्युनिकेशन का भी रोल। हैकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल की मौजूदगी पर सवाल, कांग्रेस ने कहा हमारा कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस ने कहा गोपीनाथ मुंडे की हत्या का दावा गंभीर आरोप, जांच होनी चाहिए। हैकर के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोमवार को लंदन में जो हुआ वो किसी सर्कस से कम नहीं था। प्रसाद ने कहा कि हैकिंग के पीछे कांग्रेस थी और ऐसे आरोप लगाकर कांग्रेस 2019 में हार का बहाना ढूंढ रही है। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक राजनीतिक स्टंट था और इसका उद्देश्य था भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना और चुनाव आयोग को बदनाम करना। अगर ईवीएम पे किसी ने सवाल उठाए तो ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जापान जैसा देश जो साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, आखिरकार वो देश क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है ईवीएम को। ये सवाल किसी दल का नहीं है, सवाल लोकतंत्र पे भरोसे का है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि गोपीनाथ मुंडे की अगर मृत्यु नेचुरल नहीं थी, एक्सीडेंटल नहीं थी, बल्कि वो करवाई गई थी, ऐसा है इसमें ज़रा भी सच्चता है या इसमें जानकारी की इसमें तफ्तीश की गुंजाइश है, तो ऐसी सूरत में तो गोपीनाथ मुंडे की एक बच्ची महाराष्ट्र में मंत्री है, एक बच्ची सांसद है, तो दोनों बेटियों ने इस पर तो सवाल उठाने चाहिए कि भाई क्या है हमारे पिता की मौत के संदर्भ में।